एनकाउंटर से पहले लेडी अफसर की आखिरी वार्निंग। जम्मू के रामबन में आतंकियों पर गरजी लेडी अफसर। ओसामा तुम्हारे 15 मिनट खत्म होते हैं अब। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से आतंकी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और किसी भी तरह घाटी की शांति को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है। अगर आतंकी इस तरफ आंख भी उठाकर देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सीधा 72 हूरों के पास भेज दिया जाएगा। जम्मू के रामबन में शनिवार को आतंकियों ने ऐसी ही हिमाकत करने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए उन्हें वहीं ढेर कर दिया। सेना ने पहले आतंकियों को वार्निंग दी, सिविलियन को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जब आतंकियों ने सेना की वार्निंग नहीं मानी तो आखिरकार उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। न्यूज एजेंसी ANI ने मुठभेड़ से पहले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन का मोर्चा संभालते हुए SSP अनीता शर्मा आतंकियों को चेतावनी देते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल रामबन के बटोत में आतंकियों ने एक पूरे परिवार को बंधक बना लिया था, जिसके बाद यहां एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और पूरे घर को सेना ने घेर लिया। सेना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि आतंकियों के कब्जे में उस घर के लोग भी थे। सेना हर हाल में उनकी रक्षा करना चाहती थी। SSP अनीता शर्मा ने घर में छिपे आतंकियों को चेतावनी देते हुए माइक उठाया और कहा, ओसामा चुपचाप बाहर आ जाओ, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन पहले सिविलियन के हाथों अपने हथियार बाहर भेज दो। अनीता शर्मा ने इसके लिए आतंकियों को 15 मिनट का वक्त भी दिया। अपने वेपन के समेत बाहर भेज दो। ओसामा ओसामा तुम्हारी सबसे बात करवा देंगे, तुम बाहर आ जाओ। हमारे होते हुए तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई नहीं छुएगा, आ जाओ बाहर। सिविलियन को पहले बाहर भेज दो, वेपन के समेत सारे वेपन उसको दे दो और वो आ जाएगा बाहर। सेना की चेतावनी के बावजूद आतंकी घर से बाहर नहीं निकले, जिसके बाद अनीता शर्मा ने एक बार फिर माइक उठाया और कहा कि अब तुम्हारा टाइम खत्म होता है। ओसामा तुम्हारा टाइम, तुम्हें 15 मिनट दिए गए थे, पूरे हो चुके हैं, बाहर आ जाओ अब। ओसामा हमने आपसे पहले कहा है कि 15 मिनट दिया है तुम्हें टाइम, वो टाइम पूरा हुआ है, अब बाहर आ जाओ। इसके बाद तो आतंकी जैसे बुरी तरह बौखला ही गए और उन्होंने घर के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू होते ही सेना ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें वहीं ढेर कर दिया। और अच्छी बात ये रही कि सेना घर में बंधक बनाए गए लोगों को भी बचाने में कामयाब रही। लेकिन इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया और दो पुलिस वाले जख्मी हो गए।